बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल, लेकिन हमारे घर में इसको कहा जाता है दुख सुख, मिक्स सब्जियों को ना। और स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी जो मैं आपको देने लगी हूँ। और उसके लिए सबसे पहले जो है 1 कप जो है इसके अंदर मैं ऑयल डालने लगी हूँ। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है लहसुन है, मैं लहसुन डाल रही हूँ। अब जो लहसुन है इसका ना जो कलर है, लहसुन का कलर लाइट गोल्डन होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। बस ये 1 मिनट में ही हो गया इसका कलर चेंज, इतने क्योंकि ग्राइंड हुआ हुआ था। 1 प्याज है, इसको मैंने इस तरह काट लिया नॉर्मल साइज का 1 प्याज। बस इसको मैंने 2-3 मिनट ही किया है, देखिए इसका कलर प्याज का बस चेंज किया है। साथ में ये 2 टमाटर हैं, जिस तरह मैंने काट लिए हैं डालने लगी हूँ। टमाटर के 2 मिनट बाद जो है 7 मोगरे हैं, ये 1 कप जो है ये मोगरे हैं, ये इसके साथ ही डाल देने हैं। क्योंकि इसलिए मोगरे डाल रही हूँ पहले कि मोगरे होते हैं जो टाइम लेते हैं ये गलने में ना, तो इनको पहले डल जाता है जी। अब ये मोगरे के साथ ही मेथी, ये मेथी 1 पाव मेथी है जो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ। मेथी और जो मोगरे होते हैं ये टाइम लेते हैं, तो इनको इसलिए पहले डाल देते हैं कि ये पक जाएं और सही से अच्छे से इनका टेस्ट आ जाता है, इसलिए इनको पहले डालना है जी। इसको 5 मिनट हो चुके हुए पकते हुए, मोगरे और मेथी को डाले हुए। अब इसके अंदर जो 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें नमक ऐड करने लगी हूँ, और 1 टेबल स्पून रेड मिर्च पिसी हुई, लेकिन आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल लीजिएगा। तो लेकिन मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सूखा धनिया जो है वो डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर हल्दी जो है वो ऐड करने लगी हूँ। और साथ में इसके अंदर 1 कप जो है मैं पानी डालने लगी हूँ। पानी डालने के बाद अब इसको मैं नॉर्मल फ्लेम के ऊपर रख दूँगी, क्योंकि जो मोगरे हैं वो गल जाएँ सही तरीके से पक जाएँ। तो इसको नॉर्मल फ्लेम के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर इसको मैं रख के कवर करके रख दूंगी जी। अब ये जो है मुंगरे और जो है मेथी, इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, और 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं। और मैं इसके अंदर 1.5 कप जो है ये मटर है, 1.5 कप इसके अंदर मटर ऐड करने लगी। इसको भी 10 मिनट जो है मटरों को भी पहले बाकी सब्जी से डाला है, ये मटर भी थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने मटर भी पहले डाल दिए। हो चुके हुए मटर डाले हुए, और साथ में ये 4 गाजर थी जो मैंने इस तरह शेप में काट ली हैं जी। ये एक छोटा सा गोभी का फूल था, एक छोटा फूल जो है मैंने पूरा लिया, ये है ये सारा डाल रही। और ये 2 आलू हैं नॉर्मल साइज़ के थे, ये मैंने इस तरह काटे हैं, ये भी साथ में। और साथ में ही 2 इंच का अदरक का पीस है, ये जो मैंने इस तरह जूनियर कट में काट लिया था, ये भी साथ ही जी। अब इसको मिक्स करके और नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इसको मैं रख दूँगी हल्की आँच के ऊपर, और ये इसी जो इसके अंदर ये जो ग्रेवी सी है इसी के अंदर इसका अपना जो निकला गाजर का पानी छोड़ेंगे, इसी में करेंगे पानी नहीं डालना। अगर आपका ज़्यादा ड्राई हो तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। अब इसको मैं इसी नॉर्मल फ्लेम पर रख दूँगी जी। अब ये बिल्कुल जो है तैयार हो चुके हैं, आपको दिखने में लग रहा है माशाल्लाह के रेडी हैं, तैयार हैं। तो अब इसके अंदर मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3 हरी मिर्चें हैं जो इस तरह मैंने काटी वो डालने लगी हूँ। और ये डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए स्टीम दे दूँगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ जी। अब ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल लाइक को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।